हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेटिंग कन्वेयर के बारे में। अलग अलग डिजाइन्स में वाइब्रेटिंग कन्वेयर जो है वो अवेलेबल होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, लेकिन इनका सबका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो सेम होता है। एक ही प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम वाइब्रेटिंग कन्वेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वाइब्रेटिंग कन्वेयर यानी कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा कन्वेयर जो वाइब्रेट होता है। जी हाँ, ऐसे कन्वेयर जिसमें वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, उसे कहा जाता है वाइब्रेटिंग कन्वेयर। ये कन्वेयर टोटली मेटल का होता है। इसमें ट्रे होता है, या तो सिंगल ट्रे होगा या नंबर ऑफ ट्रे होते हैं जो कि एक डिग्री में सेट होते हैं, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। अगर एक सिंगल ट्रे है तो वो एक डिग्री में इंक्लाइन रहता है। इसमें क्या किया जाता है, जो ट्रे है, ट्रे का जो स्ट्रक्चर होता है ऊपर वाला जिसमें ट्रे फिट होता है, वो नीचे बेस स्ट्रक्चर से स्प्रिंग की सहायता से लटका हुआ रहता है। मतलब वो उसे ऐसा फिक्स किया जाता है कि वो वाइब्रेट करे, मोशन करे। और वाइब्रेशन के लिए एनर्जी दी जाती है या तो इसेंट्रिक शाफ्ट से जो कि मोटर से कनेक्टेड रहता है, या फिर अनबैलेंस मास से, या फिर वाइब्रो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग डिजाइन्स के वाइब्रेटिंग कन्वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। वाइब्रेटिंग कन्वेयर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और वाइब्रेटिंग कन्वेयर जो है, इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें नॉइज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी कि इस कन्वेयर के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा साउंड आता है, और ये उसका ड्रॉबैक है। लेकिन इसके एडवांटेज भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इसमें मेंटेनेंस उतना ज्यादा नहीं आता। एक सिंपल सा ट्रे होता है और उसे सिर्फ वाइब्रेशन देना होता है आपको, और मटेरियल उसके थ्रू आगे जो है वो कन्वे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पर ट्रफ एंगल में ये ट्रे है ऊपर में, जो कि स्प्रिंग से सस्पेंडेड है। नीचे में मोटर है जो कि पुल्ली से कनेक्टेड है इसेंट्रिक शाफ्ट से। इसेंट्रिक शाफ्ट जो है वो कनेक्टेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट फील्ड से। ये मोटर है, मोटर पुल्ली के साथ कनेक्टेड है, गार्ड में है पुल्ली, और वो इसेंट्रिक शाफ्ट से कनेक्टेड है। शाफ्ट मोशन कर रहा है और ऊपर का जो आपका ट्रे है उसे फिर ये वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए, इस तरह से वाइब्रेशन होने पर मटेरियल जो है वो आगे धीरे धीरे खिसकता है, क्योंकि ये ट्रे जो है वो एक डिग्री में इंक्लाइंड रहता है। तो अपनी ग्रेविटी की वजह से और वाइब्रेशन की वजह से कंटिन्यूअस जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ साथ में वाइब्रेटिंग ट्रे के साथ साथ में कहीं पर साथ में स्क्रीन भी लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग साइज के मटेरियल को अलग से सेपरेट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आपकी वाइब्रेटिंग कन्वेयर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।